हाय फ्रेंड्स, पंजाबी फूड ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करती है। आइए आज फिर आपको एक सिंपल नई डिश बनाना सिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे झटपट तैयार होने वाला पनीर, मसाला पनीर। इस तरह से हम बनाएंगे कि जो फटाफट कोई मेहमान आए तो हमें वक्त भी ना लगे और एक स्वादिष्ट डिश तैयार करें। हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला है और अनियन, जो हमने 4-5 बड़े ऑनियन लिए थे, अनियन लिए हैं, उनको हमने ऐसे बड़ा बड़ा काट के डाल दिया है। इसको हम धीमी आंच में पकाएंगे। इस तरह से हम इसको धीरे धीरे पकाएंगे ताकि ये बड़ा प्रॉपर सा पक के तैयार हो। तेज आंच में पकाने से थोड़ा सा जल सा जाता है तो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। ये एक बड़ा प्याज रह गया, इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसको धीरे धीरे आंच पे भूनते रहेंगे। ये पनीर बहुत ही टेस्टी बनता है और हर कोई इसको खाना बहुत पसंद करता है। आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और झट से तैयार हो जाता है। अब हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च ली हुई थी, उसको इसे हमने बारीक बारीक काटा है, हमने इसको मोटा नहीं काटा, बारीक बारीक काटा है। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, ऐसे दिन में आंच में इसको भूनेंगे। हम कड़छी थोड़ा बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये हमने एक हरी मिर्ची बारीक बारीक काट ली थी, उसको भी हमने डाल दिया है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा जितना खाना पसंद करते हैं डाल सकते हैं। इसी तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा भूनते जाएंगे। आंच हमने धीरे रखी हुई है। अब हमने एक पैकेट पनीर का लिया है और इसको हम अच्छी तरह से पहले निकालेंगे और धो के बड़े बड़े पीसेस हम इसके काट लेंगे। हमने छोटे पीसेस नहीं काटने, बड़े पीसेस काटने हैं। इस तरह से हमने बड़े बड़े पीसेस काट लिए हैं। अब हमने पनीर काट के भी इसमें डाल दिया, इसको भी थोड़ी देर हम इस तरह से भूनेंगे। हल्का हल्का पिंक सा हो जाएगा इसका, धीमी आंच में भुनने से इसका अलग सा फ्लेवर जो आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद ही हिलाते रहेंगे। वेट लॉस में भी पनीर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और डाइजेशन में भी ये हमें हेल्प करता है, और इसके साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम भी इसके साथ स्ट्रॉन्ग होता है। नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार, जितना आप खाना पसंद करते हैं। लाल मिर्ची भी हम अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा जो भी डालना पसंद करते हो खाना वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने जीरा पाउडर डाला है, आधा चम्मच लगभग, और थोड़ी सी हमने ब्लैक पेपर डाली है, थोड़ा सा हमने नमक डाला है, नमक टेस्ट के अनुसार डाला है। हमने थोड़ा सा इसमें डाला है हींग पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया और अच्छी तरह से सब मसालों को हम मिक्स कर देंगे। ये थोड़ा सा हमने इसमें भुना हुआ मेथी का पाउडर डाला है। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम सब मसालों को मिक्स कर देंगे ताकि सब मसाले सभी पीसेस पे अच्छी तरह से प्रॉपर से लग जाएं और ताकि इसकी टेस्ट मसालों में आ जाए, और इसको हम इसी तरह से भूनेंगे। अब हमने दो टमाटर लिए, अच्छी तरह से हमने इनको धो लिया और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इस तरह से हमने इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और अब हमने इनको भी पनीर में डाल दिया। टमाटर को हम अच्छी तरह से इनके साथ मिक्स करने के लिए हिला देंगे और हम ताकि सब टमाटर भी इसके साथ मिक्स हो जाएं। अब हम थोड़ी देर बीच भी आंच को
तेज़ कर देंगे और फटाफट से इसको तेज़ आंच पे उल्ट पुल्ट करके इसको बना लेंगे। पनीर भी जैसे आप जानते हो कि बहुत हेल्दी होता है, इसमें बहुत प्रोटीन होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसको भी खाते रहना चाहिए, कभी स्नैक्स में खा सकते हैं, कभी हम इनका परांठा बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम बना के इसको आराम से खा सकते हैं ताकि हमारी हेल्थ ठीक रहे। जो प्रोटीन, जो नॉन वेज नहीं है, वेजिटेरियन है, उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्दी है, उनका प्रोटीन इससे आराम से पूरा हो जाता है और स्वादिष्ट भी बहुत लगता है। तो हम इसको अलग अलग फॉर्म में बना के खा सकते हैं। ये अब बन के बहुत अच्छा तैयार हो गया, इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर एंड लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।